और दूसरी तरफ है नशा पड़ा। एक तरफ है नेताजी और दूसरी तरफ है नशा भरा। इन दोनों के बीच आज ये युद्ध हमारा फंसा पड़ा। कहीं धर्म के नाम पे दंगे हैं, कहीं नशे की लोभ में ये रेप करें, कहीं धर्म के नाम पे दंगे हैं, कहीं नशे की लोभ में ये रेप करें। आज हम इतने हैवान हुए कि हमसे तो भूत प्रे करें। भगत बिस्मिल और आजाद क्या वो जवानी की सीढ़ी नहीं चढ़े? हम उन नाचों को कैसे भूल गए जो अपने इस वतन के लिए मरे। हमको हरा भगवान के विवादों में फंसकर मरना है, हमको हरा भगवान के विवादों में फंसकर मरना है। क्या हमको हमारे यही पूर्वज ने सिखलाया है? और जो बाबर के छे छे फुट के भाले और अंग्रेजों का बारूद कामना कर पाया वो दो ढाई इंच की सिगरेट और एक बोतल ने करके दिखलाया है। कॉलेज बस और हॉस्पिटल के कोनों का आजा हाल देखो, कॉलेज बस और हॉस्पिटल के कोनों का आजा हाल देखो। आप सब तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ उनका हाल देखा था। कॉलेज बस और हॉस्पिटल के कोनों का आजा हाल देखो। गुटखा तंबाकू की पीक से वो कोने हुए हैं लाल देखो। एक 18 वर्ष के शराबी की वो लड़खड़ाती चाल देखो। और 12-14 वर्ष के बच्चे भी लड़की को कहते हैं माओ देखो। क्या ऐसे होगा स्वच्छ भारत जो सपना पीएम साहब को आया है? जो बाबर के छेदे और बारूद काम न कर पाया वो काम बैठाई की सिगरेट और एक बोतल में करके दिखवाया है। 40 किलो वजन है जिनका, 40 किलो वजन है जिनका, और जिनकी कमर से पैंट ना टिकती है उनके बारे में सुनो जरा प्रगत की कलम क्या लिखती है। दूध दही से इंफेक्शन है पर मद से कोई परहेज नहीं। कभी बुरे बुरे से दे रहे हैं और शोर भी उनका तेज नहीं। एक आशिक खड़ा चौराहे पर लड़की को आता दे और सिगरेट का धुआं स्टाइल से थे क्या खूब खिलखिलाया है। और जो बाबर के छे छे फुट के भाले और अंग्रेजों का बारूद काम न कर पाया वो दो ढाई इंच की सिगरेट और एक बोतल ने करके दिखलाया है। जय हिंद जय भारत।